प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो एवं अरिस्टोटल का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। तुलनात्मक विश्लेषण की अगर बात करते हैं तो एक दो चीज़ हमारे सामने आती है कि तुलना करते समय या तो दोनों विचारकों में समानता होती है या असमानता। प्लेटो का शिष्य है अरिस्टो और प्लेटो के साधन में रहकर शिक्षा का अर्जन किया है अरिस्टो ने। अतः प्लेटो का प्रभाव अरिस्टो पर पड़ना स्वाभाविक था। उन दोनों के मध्य समानताओं का हम विचार निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे प्लेटो और अरिस्टो दोनों नैतिक जीवन के प्रति आस्था में विश्वास करते हैं, दोनों न्याय में विश्वास करते हैं और दोनों विवेक के द्वारा न्याय के निर्माण की बात करते हैं। दूसरी ओर अगर देखें तो दोनों न्याय को लागू करना चाहते हैं और न्याय बिना विवेक के, बिना श्रेष्ठ शासन के लागू नहीं हो सकता। दूसरी अगर दोनों के अंदर समानता देखी जाए तो समानता यह है कि शिक्षा द्वारा मानव में सुधार संभव है। प्लेटो भी आदर्श शासन के निर्माण के लिए शिक्षा और साम्यवाद जैसी दो साधनों का प्रयोग करता है और अरिस्टो भी ये जानता है कि शिक्षा के द्वारा सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और व्यक्ति को वो बनाया जा सकता है जो उसे बनना है। उसकी स्वयं की गुणग्राह्यता के आधार पर उसे शिक्षक बनाया जा सकता है, उसे चिकित्सक बनाया जा सकता है और उसे अन्य विज्ञानी बनाया जा सकता है और बनाने के लिए आवश्यक कोई चीज़ है तो वह शिक्षा है जो उसको परिवर्तन ला सकती है। इसलिए शिक्षा मानव के अंदर पूर्णतया प्रवृत्त कर सकती है। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास संभव है। फिर विशेषता समानता की अगर बात करें तो मानवता का अंदर दोनों का विश्वास है कि मानव श्रेष्ठ है, संपूर्ण सृष्टि मानव के लिए है और मानव का उत्तम जीवन के प्रति निष्ठा है। उत्तम जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीना मानव का लक्ष्य है और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति में सारी संस्थाएं, सारी पदक प्रकृति सब सहयोग कर सकती है। अगर वह शिक्षित है तो इसमें श्रेष्ठ मानव का जीवन ही श्रेष्ठता की ओर बढ़ना ही उसके लिए आवश्यक है। दोनों इस बात पर विश्वास करते हैं। राज्य के नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप पर भी दोनों विश्वास करते हैं। कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक संस्था है, राज्य नैतिक संस्था है, राज्य कोई व्यक्ति नहीं है, राज्य व्यक्ति के स्वभाव में निहित है, राज्य व्यक्ति के स्वभाव में निहित है। अतः व्यक्ति के लिए राज्य स्वाभाविक संस्था है जो वैचारिक दृष्टि से पूर्णता दिए गए हैं और व्यक्ति अपनी पूर्णता राज्य में प्राप्त करता है। ग्रीक राज्य की पृष्ठभूमि में दोनों विचारकों का निर्माण होता है, जहाँ अराजकता की पृष्ठभूमि है, जहाँ अव्यवस्था की पृष्ठभूमि है, जहाँ विभिन्न प्रकार के राज्य नगर राज्यों की पृष्ठभूमि है, जहाँ अशांति की पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में जहाँ अन्याय है अन्याय के विचार करते हैं, श्रेष्ठ शासन नहीं है श्रेष्ठ शासन की बात करते हैं, व्यक्ति के उन्नति की बात करते हैं। इसलिए दोनों विचारों की एक ही पृष्ठभूमि रहती है जिससे उनमें समानता दिखाई देती है। अच्छा नागरिक अच्छा मानव हो सकता है अरिस्टो ये कहते हैं और वही चीज वो कहते हैं प्लेटो कि श्रेष्ठ जो मानव है वो श्रेष्ठ नागरिक भी बन सकता है। इसलिए नागरिक में श्रेष्ठता आवश्यक है और श्रेष्ठता उसकी आत्मा का गुण है और हर व्यक्ति में गुण है और उस गुण के अनुरूप उसे कार्य करना चाहिए और उस गुण की वृद्धि की जा सकती है, उसे विकसित किया जा सकता है। राज्य के विकास में शासन की भूमिका। दोनों ही विचारक इस बात पर विश्वास करते हैं कि राज्य के द्वारा व्यक्ति का विकास हो सकता है और राज्य कैसे विकास करेगा उसके लिए श्रेष्ठ शासन का होना आवश्यक है। यहाँ दोनों के अंदर श्रेष्ठ शासन की बात की है, प्लेटो आदर्श राज्य की बात करता है तो अरिस्टो जो है कानून के शासन की बात करता है, पर दोनों ही शासन के द्वारा व्यक्ति के विकास में सहयोग की भूमिका को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से दोनों विचारकों में अनेक समानताएं दिखाई देती है और समानताएं होना स्वाभाविक भी है, एक दूसरे का प्रभाव भी दिखाई देता है क्योंकि प्लेटो स्वयं कहता है कि मेरी अकादमिका सर्वश्रेष्ठ बुद्धि अगर किसी में है तो वो अरिस्टो में ही है। परंतु दूसरी ओर विचारक मैक्सी और कॉलरिज का ये कहना है कि या तो कोई व्यक्ति प्लेटोवादी हो सकता है या अरिस्टोवादी। अब इसका अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति में दो प्रकार के चिंतन है, या तो वो प्लेटोवादी अर्थात आदर्शवादी हो सकता है या वो यथार्थवादी हो सकता है। अरिस्टो यथार्थवादी है, प्लेटो आदर्शवादी विचार है। इसलिए हर व्यक्ति या तो यथार्थवादी होगा या आदर्शवादी, इस प्रकार की बात कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आवश्यक हुआ कि यथार्थवाद प्लेटो के चिंतन में है अर्थात प्लेटो के चिंतन में और अरिस्टो के
वैज्ञानिकता के लिए विश्लेषण करता है, विश्लेषणात्मक है, इसलिए इसकी जो शैली है वो निरस्त है, उबाऊ है। और प्लेटो की शैली काव्यात्मक है, इसलिए उसे शुरू से एंड तक आप पढ़ते ही जाओ, उसका एंड करने का जी नहीं चाहेगा, और यहाँ व्यक्ति उबाऊ हो जाता है, इसलिए दोनों की भाषा और शैली में निरंतर निकल होता है। नेक्स्ट अगर हम आपका बात करें तो क्रांतिकारी परिवर्तन में प्लेटो विश्वास करता है, एक व्यवस्था उसके स्थान पर नूतन व्यवस्था के निर्माण का प्लेटो कार्य करता है, जैसे परिवार नामक संस्था की समाप्ति करके वह जो है सार्वजनिक समाज व्यवस्था लागू करना चाहता है, सार्वजनिक प्रशासन, स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात करता है, इसी प्रकार आदर्श राज्य के निर्माण की बात करता है, जो शासन व्यवस्था है उसे नष्ट कर नवीन शासन व्यवस्था की बात करता है। दूसरी ओर अगर देखें तो जो अरस्तु है परंपरागत व्यवस्था को स्वीकार करता है और उस परंपरागत व्यवस्था में संशोधन का विश्वास करता है, निर्माण का विश्वास करता है, उसे नष्ट करना नहीं चाहता, इसलिए अरस्तु क्रांतिकारी नहीं परिवर्तनकारी है, प्लेटो क्रांतिकारी है और व्यवस्था के स्थान पर नूतन व्यवस्था के निर्माण में विश्वास करता है। नेक्स्ट अगर हम अंतर देखें तो दोनों का जो अंतर है वो ये भी माना जाता है कि जो विचार है, जो दर्शन है प्लेटो का, वो सत्य शिव का, ज्ञान का, स्वरूप का दर्शन है, जिसकी जांच नहीं की जा सकती, उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और वही व्यक्ति का अंतिम पर लक्ष्य। दूसरी ओर अरस्तु कहता है कि जो पदार्थ है, जो दृश्य जगत में दिखाई देते हैं, उन सबका अध्ययन किया जा सकता है, उनका अनुसंधान किया जा सकता है, और ये सब व्यक्तिगत हो सकते हैं, जो व्यक्ति के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं, इसलिए जो जगत हमें दिखाई देता है वो दिख रहा है वह भी सत्य है, और जो दिखाई नहीं देता उसे प्लेटो सत्य तो कहता है, शिव तो कहता है, सुंदर तो कहता है, परंतु जो दिखाई नहीं देता उसका अनुसंधान नहीं हो सकता है, और अरस्तु इसके अनुसंधान की बात करता है, कहता है जगत की सृष्टि वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जबकि प्लेटो कहता है जगत और सृष्टि का ज्ञान नहीं, शिव और सत्य का स्वरूप का और विचार का ज्ञान किया जा सकता है, इसलिए विचार वास्तविक है, बाकी सब नश्वर है, नष्ट होने वाला है। दोनों के विचारों में एक और अंतर जिसके आधार पर अल्ब्रिच और मैक्स कहते हैं, वो अंतर मूलतः है प्लेटो आदर्शवादी है, वो कहता है क्या होना चाहिए, व्यक्ति को श्रेष्ठ होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, आत्मानुसार कार्य करना चाहिए, गुणों के अनुसार कार्य करना चाहिए, समाज पर एक राष्ट्र का जो निर्माण है स्वर्गीय शासन पृथ्वी पर होना चाहिए। दूसरी ओर अरस्तु कहता है कि जैसा उसे वैसे ही स्वीकार करता है और उसे शिक्षा के माध्यम से, नूतन विचारों के माध्यम से उसे प्रशिक्षण देकर विकसित किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। इस प्रकार से अरस्तु एक यथार्थवाद की बात करता है, व्यवहारिकता की बात करता है, श्रेष्ठता को जो है जैसी स्थिति है उसे वैसे ही स्वीकार करने की बात करता है, इसलिए एक आदर्शवाद की बात करता है, एक यथार्थवाद की बात करता है, और हर व्यक्ति आदर्शवादी और यथार्थवादी हो सकता है, और जो अधिक आदर्शवादी है वो प्लेटोवादी है, और जो अधिक यथार्थवादी है वो अरस्तुवादी है। कहने के लिए तो स्वयं अरस्तु भी प्लेटोवादी है, परंतु प्लेटो से कुछ पृथक अपने विचार को उत्पन्न करता है, इसलिए अरस्तु अरस्तु है और प्लेटो प्लेटो है। दोनों के विचारों में द्वंद्वात्मकता के विचार को दिखाई देते हैं, परंतु उनकी द्वंद्वात्मकता क्रमबद्ध विवेचन और विश्लेषण नवीन जीवन दर्शन को उत्पन्न करता है, प्लेटो के चिंतन में यही बात है, और यही जो द्वंद्वात्म है उस द्वंद्वात्मकता के कारण अनिच्छात्मक निर्माण हो जाता है, अनुसंधान का विश्लेषण का निर्माण होता है। दूसरी ओर जो अरस्तु है वो द्वंद्वात्मकता की बात करते समय तीन चीजों की बात करता है, पहले प्रश्न उठाता है, उसे बात कहता है, फिर उसका उत्तर जो है उसे प्रतिवाद कहता है, और तीसरा उसका जो निष्कर्ष है उसे संवाद के रूप में कहता है। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं अच्छे मनुष्यों में अच्छे नागरिक के गुण होते हैं, जो अच्छा मनुष्य होगा वो अच्छा नागरिक भी होगा, उसका अच्छे नागरिकता के गुण पाए जाते हैं, ये प्रश्न वाद है, ये विचार वाद है। दूसरी ओर उत्तर प्रतिवाद के रूप में देता है कि मनुष्य अच्छा मनुष्य होना अच्छा नागरिक होना दोनों में अंतर है, अच्छे मनुष्य अच्छे नागरिक हो आवश्यक नहीं है, अच्छे नागरिक अच्छे मनुष्य हो यह भी आवश्यक नहीं है। फिर अभी आगे वो डिस्कस में कहता है कि सभी अच्छे नागरिक अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते, सभी अच्छे नागरिक अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते, और अच्छे मनुष्य सभी श्रेष्ठ अच्छे नागरिक नहीं हो सकते, इसका मतलब
श्रेष्ठ मनुष्य भी है ये भी हो सकता है। इसलिए निष्कर्ष में कह सकते हैं कि श्रेष्ठ नागरिक जो है श्रेष्ठ मनुष्य हो सकता है। इस प्रकार से एक प्रश्न जो है विचार का धन्यवाद है, यूनान का जो धन्यवाद है विचार का धन्यवाद है, दोनों के धन्यवाद में भी अंतर दिखाई देता है। इसीलिए वो उपेक्षा पद्धति का निर्माण करते हैं। दोनों के विचारों में समानता और असमानता के मध्य के पश्चात भी हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो दर्शन शास्त्री है जबकि अरस्तु राजनीति शास्त्री है। दोनों के अंतर अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान और आचार शास्त्र में अंतर करता है कि दोनों इससे स्वतंत्र है, अलग अलग है। प्लेटो दोनों के मध्य समायोजन करता है। अंत में हम यही कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि यूनान के दोनों महान राजनीतिक विचारक रहे हैं, चिंतक रहे हैं। प्लेटो का शिष्य अरस्तु है। अरस्तु पर प्लेटो के बहुत सारे जीव विज्ञान का विद्यार्थी रहने के नाते परिवार के प्रभाव के कारण इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है, राजनीति को विज्ञान बना देने का कार्य करता है। इसलिए प्लेटोवादी है, अरस्तुवादी है और दोनों का ही सभी आने वाले आधुनिक चिंतनों पर प्रभाव दिखाई देता है। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा, धन्यवाद।